आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस फ्रेंड्स जो है ये हमारे हर एक एग्जाम के लिए जो है कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। परीक्षा जो है TET या सुपर TET जो भी या बैंकिंग जो है या SSC की जो है परीक्षा सभी में जो है यह प्रश्न जो है पूछा जाता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं, लिखा गया है वॉइस। वॉइस वॉइस मीन्स क्या होता है? वॉइस मीन्स होता है वॉच। वॉच जो है फ्रेंड्स दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन? पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, व्हाट इज एक्टिव वॉइस? एक है कि ऐसा वाक्य या ऐसा वाच हम कह सकते हैं जिसमें वर्ब क्रिया द्वारा कर्ता सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं उसे हम एक्टिव वॉइस कृत्यवाच कहते हैं। हम एग्जाम्पल्स इसको जो है समझ लेते हैं। एज ही, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य है। अब इसमें कैसे पता चल रहा है? इसमें वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? राइट्स है। राइट्स के द्वारा इसमें इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? कर्ता ही है। ही को प्रधानता दी जा रही है, वह क्या करता है? ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो जब किसी वाक्य में वर्ब क्रिया द्वारा कर्ता यानी सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है तो उसे हम एक्टिव वॉइस कृत्य वाच कहते हैं। अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस क्या है। व्हाट इज पैसिव वॉइस? इसको हिंदी में बोलते हैं कर्म वाच। मीन्स ऐसा वाच जिसमें वर्ब क्रिया द्वारा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म को प्रधानता दी जाती है, हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम पैसिव वॉइस कर्म वाच बोलते हैं। अब इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अब ऊपर का वाक्य हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस में है। अब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर है। और पैसिव वॉइस में क्या किया जाता है? पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बना दिया जाता है? सब्जेक्ट बना दिया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं? ए लेटर को सब्जेक्ट बना देते हैं। ए लेटर इज रिटन बाई हिम। ये वाक्य हमारा किसमें चेंज हो गया? पैसिव वॉइस में चेंज हो गया फ्रेंड्स। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में ऐसा वाक्य जिसमें वर्ब क्रिया द्वारा, वर्ब क्रिया क्या है? रिटेन है। इसके द्वारा किसको प्रधानता दी जा रही है? ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म को प्रधानता दी जा रही है। यानी कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था पैसिव वॉइस में हम उसको क्या बना देते हैं? यानी पैसिव वॉइस में हम उसे सब्जेक्ट बना देते हैं और पैसिव वॉइस में वर्ब क्रिया द्वारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म को प्रधानता दी जाती है। और इसका अर्थ हो गया ए लेटर इज रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का जो कॉमन नियम है फ्रेंड्स, फर्स्ट जो रूल होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी एक्टिव वॉइस का अगर मतलब वाक्य है तो उसको हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल जैसे लिखा गया अभी जो है ही राइट्स ए लेटर, ये हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य है। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका? ए लेटर है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर है। तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस का क्या बना देते हैं? हम उसको जो है सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ए लेटर को हमने यहाँ पे क्या किया? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया। अब दूसरा मतलब रूल ए होता है कि हम एक्टिव वॉइस की जो क्रिया होती है, एक्टिव वॉइस की जो मतलब वर्ब क्रिया होती है उसको हम उसके अगले टेंस में बदल देते हैं। यानी अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है तो हमारा बदल जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेगा तो यहाँ पे जब हमारा सब्जेक्ट ए लेटर है तो ए लेटर के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगा देंगे? ए लेटर के अनुसार इज लगा देंगे, कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया लगा देंगे। उसके बाद रूल थ्री में हम ये करते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा सदैव जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया यानी कि राइट्स है, इसका हम हमेशा क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो राइट का थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटेन हो जाएगा। हमेशा जो है वर्ब क्रिया के थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ए लेटर इज रिटेन। और पैसिव वॉइस में
हम क्या करेंगे, नए ऑब्जेक्ट से पूर्व, नए ऑब्जेक्ट से पूर्व हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पे बाई लगा दिए हैं। अब अगला में अगले रूल में हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहेगा, जैसे इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा ही है, उस सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और एक चीज़, हाँ, और जो यहाँ पे जिस सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अगर यहाँ पे कोई प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन का वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, और अगर कोई यहाँ पे कोई प्रोनाउन यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्टिव केस में है उसको हम जब यहाँ पर सब्जेक्ट ला के बनाते हैं तो हम उसका वहाँ पर सब्जेक्टिव केस ही प्रयुक्त करेंगे। इसलिए ही को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। नोट्स में लिख लेते हैं जो है कि एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस जो है 12 टेंस की बनती है फ्रेंड्स, लेकिन पैसिव वॉइस केवल जो है 8 टेंस की बनती है। और वो कौन कौन सी टेंस की नहीं बनती है उसको हम आप पहले आपको ये बता देते हैं किस टेंस की, मतलब पैसिव वॉइस किस टेंस में चेंज होती है। तो टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है तो हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा किस में, ये चेंज हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में ही है तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में ही चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में ही ये बदलता है, इसको जो है हम दूसरे टेंस में नहीं बदलते हैं। अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हमारा जो है चेंज हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में बदल जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो है हम प्रेजेंट टेंस का परिवर्तन जो है प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं और उसके अगले क्रम में करते हैं। अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है ये चेंज हो जाएगा किस में, ये चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। और अगर पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है तो ये हमारा जो है चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में ही चेंज हो जाता है और उसमें वर्ब क्रिया के पहले बीइंग का प्रयोग कर दिया जाता है। इसके बाद अब आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य रहेगा तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। अब पास्ट इन्फिनिट का पास्ट कॉन्टीन्यूअस में, पास्ट कॉन्टीन्यूअस का पास्ट कॉन्टीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में, यानी कि एक टेंस जो है इसमें जो है बच जाता है वो कौन सा होता है, वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। और इसी तरह से प्रेजेंट में भी एक बच जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, तो ये जो पास्ट का बच जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, इसका जो है पैसिव वॉइस क्या होता है, इसका पैसिव वॉइस नो चेंज, अर्थात इसकी पैसिव वॉइस मतलब दूसरे टेंस में चेंज नहीं होती है। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का वाक रहेगा तो इसका नो चेंज, इसका जो है पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है। एक चीज और फ्रेंड्स, ऐसे वाक्य जिसमें वर्ब क्रिया का ऑब्जेक्ट प्रयुक्त नहीं होता है उसकी भी हम पैसिव वॉइस जो है नहीं बना सकते। जैसे अब वाक्य में लिख दिया कोई जो है ही रीड्स, इसकी ही रीड्स, अब इसको जो है इसकी पैसिव वॉइस जो है हम नहीं बना सकते, इसकी पैसिव वॉइस नो चेंज, क्योंकि इसमें जो है वर्ब क्रिया रीड है और रीड का ऑब्जेक्ट प्रयुक्त नहीं है, और हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को पहले सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और इसमें जब वाक्य में ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो उसकी पैसिव वॉइस जो है बनाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो है आप जो कॉमन जो मतलब रूल है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का आप उसको समझ गए होंगे। एक टेंस वाइज आपको जो है हर एक टेंस की जो है पैसिव वॉइस उसको एक सिक्वेंस में